दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। ये एक टेक्निकल वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप न्यू पंप लगवाते हो तो मतलब सबमर्सिबल पंप लगवाते हो तो आपकी जो मोटर होती है वो कई बार जाम हो जाती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ज़्यादा कचरा वगैरह निकलता है तो आपकी मोटर बंद हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि अभी मैंने 1.5 HP की मोटर लगवाई हुई है, लेकिन मैंने स्टार्टर बड़ा लगवाया हुआ है। आपने सिंपल इसको खोलना है, अगर जाम हो जाए आपकी मोटर तो आपको इसको खोलना है और आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा होगा, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, आपको सिर्फ रेड और येलो को रिवर्स करना है, मतलब रेड की जगह येलो लगवा देनी है और येलो की जगह रेड लगवा देनी है। उससे क्या होगा, और फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको ऑन ऑन करोगे तो कई बार होता है कि जब मैं स्टार्टिंग में मोटर जाम हो गई थी तो एक बार मेरे को बाहर निकालनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी। तब मैंने एक प्लम्बर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको तारे रिवर्स करके स्विच ऑन करना है। मैंने तारे रिवर्स करके स्विच ऑन करा था, लेकिन मेरी मोटर जो थी वो एम्पेयर ले रही थी 21। ठीक है, इस ये नॉर्मली 12 या 13 एम्पेयर में चलती है, तो 21 एम्पेयर ले रही थी। उन्होंने बोला कि जैसे ही आप तारें रिवर्स करोगे इस स्विच को ऐसे प्रेस नहीं करना, जोर जोर से प्रेस करना है। मतलब जोर जोर से प्रेस करने से आपके जो अंदर कैपेसिटर लगे हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा जोर डालेंगे। तो मैंने ऐसे ट्राई किया तो मेरी 21 एम्पेयर से 19 एम्पेयर 18 एम्पेयर तक आई और इसने कचरा बाहर निकाल दिया। मतलब जो कचरा आपका बाहर निकलेगा वो आपका लो प्रेशर में बाहर निकलेगा, इतना प्रेशर नहीं होगा। कचरा बाहर निकाल के थोड़ा सा साफ पानी आएगा। आप 1 या 2 मिनट लगा के रखें, 1 मिनट भी कहाँ, 30 सेकेंड तक लगा के रखें। जैसे कचरा बाहर निकल जाता है तो आप दोबारा तारें रिवर्स कर दें, आपकी मोटर चालू हो जाएगी। अब हमें पता कैसे लगेगी हमारी मोटर जाम हो गई है, वो आपको पता लगेगा कि आपकी नॉर्मल मोटर चलती है 12 या 13 एम्पेयर में, लेकिन आपकी मोटर तब एम्पेयर ज़्यादा लेगी, 16, 17, 18, हालांकि 20 तक भी जा सकती है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको जोर जोर से 10-12 बार प्रेस करना है तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी आपको इधर एम्पेयर में, तो फिर आपका कचरा बाहर निकल जाएगा। तो अब आज की वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, ये एक टेक्निकल वीडियो थी, तो क्योंकि आज मेरे को ज़रूरत पड़ी थी इस चीज़ की, तो कल को आपको भी पड़ सकती है। तो आपके पास पता होगा आपको, तो आप इजिली कर पाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू।